दोस्तों, आज के शो में आप सभी के लिए काफी कमाल के एप्लीकेशन का रिव्यू लेकर आए हो। और ये जो एप्लीकेशन दोस्तों आप सभी के लिए काफी काम की भी साबित हो सकती है। दोस्तों, अगर आपके फोन में फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं है तो किस तरीके से आप अपने फोन में फिंगरप्रिंट स्कैनर को इनेबल कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों इसको इनेबल करना काफी ज्यादा आसान है। यहाँ पर दोस्तों आप अपने कैमरे को फिंगरप्रिंट स्कैनर बना सकते हो और ये जो एप्लीकेशन है काफी अच्छी तरीके से काम करती है। चलिए दोस्तों, फटाफट से हम जान लेते हैं ये कौन सी एप्लीकेशन है, कहाँ से आपसे डाउनलोड कर सकते हो और डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आपको क्या सब सेटिंग करनी है वो आप जरूर से देख लीजिएगा, वरना दोस्तों इस एप्लीकेशन को आप प्रॉपर ढंग से यूज नहीं कर पाओगे। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये रही वो एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन का नाम है आइस अनलॉक। इसका लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आपसे डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसे ही दोस्तों इस एप्लीकेशन को आप अपने फोन में डाउनलोड कर लो तो सिंपली इस एप्लीकेशन को आप अपने फोन में इस तरीके से ओपन कर लीजिएगा, जहां पर दोस्तों ये एप्लीकेशन आपके सामने कुछ इस तरीके से ओपन हो जाती है। उसके बाद दोस्तों नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है जहां पर लिखा है आई हैव रीड, तो इसके ऊपर आप क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको लेट्स गो के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा जहां पर दोस्तों आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर दोस्तों आप अपनी मर्जी से कोई भी 4 डिजिट का पिन क्रिएट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हम 5800 क्रिएट कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैं राइट के निशान पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको अगेन कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर दोस्तों आपको अपना जो पासवर्ड है वो कंफर्म करना है। तो यहाँ पर हमने 5800 बनाया था, उसके बाद दोस्तों हम इसे कंफर्म करने के लिए ओके कर देते हैं। और यहाँ पर दोस्तों हमारा जो पासवर्ड है कंफर्म हो चुका है और हमारे सामने नीचे कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है जहां पर दोस्तों आपको इस तरीके से स्लाइड करना है। और यहाँ पर दोस्तों ये आपको कुछ इस तरीके से इंस्ट्रक्शन बताएगा, तो यहाँ पर आपसे स्लाइड करते रहेगा। तो यहाँ पर हम इसे स्लाइड कर देते हैं और इसे अगेन स्लाइड कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा जहां पर दोस्तों आपको डोंट शो के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पर कंटिन्यू टू इनरोल के ऊपर क्लिक कर देना है। ऐसे दोस्तों आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि आप अपना कौन सा फिंगर यूज करना चाहते हैं, राइट हैंड साइड का या फिर लेफ्ट हैंड साइड का। यहाँ पर दोस्तों मैं राइट को चूज कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हमने राइट को चूज कर लिया। उसके बाद दोस्तों आपको करना है कि आपने उस फिंगर को यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर आपको स्कैन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ये स्कैन करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ये परफेक्ट जब तक स्कैन नहीं होगा तब तक दोस्तों यहाँ पर ये आपकी उंगली को छोड़ता नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं हमने 2 बार स्कैन कर लिया, ये कई बार स्कैन करता है ताकि दोस्तों आपकी उंगली को परफेक्ट ये जान पाए। तो यहाँ पर हमने 3 बार कर लिया और यहाँ पर ये 4थी बार हो चुका है। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर आपको स्कैन करना है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी जो उंगली है वो परफेक्ट स्कैन हो रही है। तो इस तरीके से आपको स्कैन करते रहना है और यहाँ पर आखिरी बार हम स्कैन कर लेते हैं। और यहाँ पर दोस्तों हमारा जो स्कैन प्रोसेस है वो पूरा हो चुका है। उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पर लिखा हुआ आ चुका है मैच कंफर्म। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा जहां पर लिखा है यूज दिस फिंगरप्रिंट, तो इसके ऊपर आप क्लिक कर लीजिएगा। और यहाँ पर दोस्तों आपका जो काम है वो पूरा हो चुका है। और यहाँ पर दोस्तों आप जरूर से देख लें ये जो ऑप्शन है वो ऑन जरूर से होना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, सिंपली आप चले जाना है बैक। और बैक आने में दोस्तों जैसे ही आप अपनी स्क्रीन को ऑफ करेंगे यहाँ पर दोस्तों आपका जो स्कैन है वो परफेक्ट होना चाहिए, तभी दोस्तों यहाँ पर आप अपने फोन को अनलॉक कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम से स्कैन कर लेते हैं और यहाँ पर दोस्तों आपने देखा हमारे फोन ने इसे परफेक्ट स्कैन किया और हमारा फोन इस तरीके से अनलॉक हो चुका है। दोस्तों कभी आपको ऐसा लगे कि आपका जो स्कैन है वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा तो यहाँ पर दोस्तों आप कीवर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से करना है। तो यहाँ पर मैं अपने फोन को करता हूँ लॉक। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा कीवर्ड का, तो जैसे दोस्तों आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आप अपना पासवर्ड डाल के अपने फोन को अनलॉक कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप अपने फिंगरप्रिंट को ही यूज करें। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने बैक कैमरे को फिंगरप्रिंट बना सकते हो। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको छोटी सी एप्लीकेशन काफी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर से कर दीजिएगा। थैंक यू।